लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें डायबिटीज हो गई है, जिसे क्योर करने के लिए वो काफी सारे परमानेंट सॉल्यूशंस इंटरनेट पे ढूंढते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसे साइंटिफिक सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप डायबिटीज को कंट्रोल भी कर पाएंगे और इनिशियल स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में आप उन्हें कुछ एक्सटेंट तक रिवर्स भी कर पाएंगे। इन साइंटिफिक सॉल्यूशंस को जानने से पहले डायबिटीज रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप सजेशंस इंटरनेट में सुनते हैं, जैसे कि करेले का जूस पीने से या घी का जूस पीने से डायबिटीज परमानेंटली क्योर हो जाएगी, इन सब चीजों का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे सिंपल मेजर्स को फॉलो करके आप डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं और कुछ एक्सटेंट तक उसका रिवर्सल भी पॉसिबल है। एक और बहुत कॉमन मिथ है कि चीनी ज्यादा खाने से डायबिटीज होती है। चीनी ज्यादा खाने का कनेक्शन डायबिटीज होने से डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसका कनेक्शन अनहेल्दी लाइफस्टाइल से है, जिससे कि आपका वजन बढ़ता है और इसके कारण डायबिटीज होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। काफी लोगों को ये भी लगता है कि डायबिटीज सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिनका वजन ज्यादा है, पर गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने के कारण या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के कारण एक पतले दुबले व्यक्ति को भी डायबिटीज हो सकती है। आइए जानते हैं अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपके घर पर ही मौजूद हैं और जो आपके डायबिटीज के उपचार में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। डायबिटीज का सबसे नेचुरल और घरेलू उपचार आपके फ्रिज में सब्जियों के फॉर्म में मौजूद है। सिर्फ जरूरत है फ्रिज को खोलने की, सब्जियों को निकालने की और सही मात्रा में खाने की। इसलिए अब से आप अपनी थाली को आधा सब्जियों से भरना शुरू करिए। इन सब्जियों को आप सलाद के फॉर्म में भी खा सकते हैं, स्टीम करके भी खा सकते हैं या फिर सॉटे करके खा सकते हैं। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप सीजनल वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें। प्लेट को आधा सब्जियों से फिल करने के बाद अब बारी आती है प्लेट को एक चौथाई प्रोटीन से फिल करने की। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, चने, राजमा, छोले, दही का यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो इनके अलावा आप अंडा, चिकन, फिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थाली का आखिरी एक चौथाई हिस्सा आप अनाज से फिल करें, जिसमें आप रोटी, दलिया, ओट्स और चावल जैसे अनाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अनाज की कितनी मात्रा खानी है ये जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपने खाने से प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम जैसे कि बिस्किट्स, रस्क, नमकीन, चिप्स, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स को हटाए बिना डायबिटीज का उपचार संभव नहीं है। और खाने में मौजूद पौष्टिक तत्व हमेशा अनाज, दालों, सब्जियों और फलों के छिलकों में मौजूद होते हैं। जितना हो सके इन्हें साबुत खाएं, स्पेशली फलों और सब्जियों के जूस निकाल के ना पिए, इससे इनके पौष्टिक तत्व काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्सरसाइज। आप अपनी सुविधा अनुसार दिन के किसी भी समय में अपनी पसंद की एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में इजीली इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ इजी टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, हो सके तो अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में थोड़ा दूर पार्क करें ताकि आपको कुछ डिस्टेंस चलना पड़े। अपने ऑफिस टाइम में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि एक एक घंटे में थोड़ा ब्रेक लेकर आप अपने ऑफिस का राउंड लगाएं। इन सब के अलावा स्ट्रेस कम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप अपनी लाइफ में रेगुलरली योगा और मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। साथ ही धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करने से भी बचें। कई बार 200 या 300 से ज्यादा शुगर आने के बावजूद भी लोग सिर्फ घरेलू उपचार ही फॉलो करते रहते हैं और दवाइयां लेने से कतराते हैं, जो उनके लिए काफी नुकसानदायक होता है। अगर इन सब डायबिटीज कंट्रोल टिप्स को फॉलो करने के बावजूद आपकी शुगर काफी बढ़ी हुई आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी बढ़ गई है और इसके लिए आपको मेडिसिंस लेने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपके डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स जैसी कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, आप अपने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाई ही लें और उनके द्वारा बताई गई डोजेस को जरूर फॉलो करें। तो ये थे डायबिटीज या शुगर को कम करने के लिए कुछ नेचुरल टिप्स। अगर आप डायबिटीज से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट जरूर करें।